क्या आप खुद से एक कस्टमाइज QR कोड क्रिएट करना चाहते हैं? यानी कि QR कोड की जो ब्लैक एंड वाइट डॉट्स है उसमें आप अपनी खुद की फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपकी फ़ोटो वाला एक QR कोड जो काम भी करता हो। तो चलिए बताते हैं ये आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल है एंड टोटली फ्री है। अब इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप अपने मोबाइल से एक कस्टमाइज QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब ये QR कोड आप अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हैं एंड इसमें आप अपनी खुद की फ़ोटो ऐड कर सकते हैं या फिर आपका बिजनेस लोगो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। सो ये जो कस्टमाइज QR कोड है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखता है एंड बहुत ही अपीलिंग है। तो एक कस्टमाइज QR कोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च में जाना है एंड स्क्रीन पे जो सेंटेंस दिखता है उसको सर्च करना है एंड जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। तो वेबसाइट का लेआउट कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो QR कोड है इसमें हमें एक इमेज देखने को मिलती है एंड सेम इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले जो URL वाला बॉक्स है उसमें आपकी जो भी लिंक है उसको ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम YouTube की वेबसाइट एंटर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी लिंक यहाँ पे आपको ऐड करनी है। अब यहाँ पर हमें QR कोड में कोई भी इमेज या फिर लोगो ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पर चूज फाइल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपके ब्राउज़र को जो भी परमिशन चाहिए वो परमिशन आपको अलाउ कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको जो भी इमेज या लोगो ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने YouTube का लोगो ऐड किया हुआ है। सो यहाँ पे जो वेबसाइट है ये क्लेम करती है कि यहाँ पे हम जो भी इमेज अपलोड करते हैं ये और कहीं पर भी अपलोड नहीं होती है, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये लोकली होती है एंड ये फ़ोन के ब्राउज़र में ही होती है। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड में हमें YouTube का लोगो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो QR कोड है आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसमें QR साइज एंड इमेज साइज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो QR कोड है जिसमें हमें डॉट्स या पिक्सल्स देखने को मिलते हैं आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे QR कोड को आपको अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है। तो QR कोड सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे जो QR कोड है इसे हमें सेव करना होगा। अब इसके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड QR कोड का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये QR कोड आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो QR कोड है इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे डाउनलोड इमेज को सिलेक्ट करना है। तो ये QR कोड आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो QR कोड सेव करने के बाद इस तरीके का QR कोड हमें देखने को मिलता है जहाँ पे हमें YouTube का लोगो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी QR कोड क्रिएट किया हुआ है अगर कोई भी इसे स्कैन करता है तो यहाँ पे आपने जो भी वेबसाइट एंटर की है ये वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड अगर इसको टैप करते हैं तो वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। सो है ना कमाल का कस्टमाइज QR कोड। वैसे ये जो कस्टमाइज QR कोड का कंसेप्ट है ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।